हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं बना रही हूँ नमक पारे, जिसको बनाना बहुत आसान है। और आज दिवाली का टाइम आ रहा है, तो हम इसे फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। बाजार में आजकल बहुत सारी मिलावट वाली मिठाइयाँ या स्नैक्स मिलते हैं, तो आप इन्हें घर पे बहुत सस्ते में और बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, और बाजार से हम जब त्योहारों के टाइम पर ऐसी चीज़ें लाते हैं, स्नैक्स या मिठाइयाँ, वो बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन घर पर हम इन्हें बहुत ही सस्ते में बना के तैयार कर सकते हैं। और देखिए, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने हैं, मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे इस तरह से। तो इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं 2 कप मैदा। आप इसकी जगह 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। मैंने 2 कप मैदा डाल दिया है, और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी, हाथ से इसे भी क्रश करते हुए, और ये भी बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से अच्छे से। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं इस तरह से, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो मैंने ये आधा कप घी लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने 2 कप मैदा लिया था, आधा कप घी लिया है, तो ये सारा घी इसमें लग जाएगा। हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। खूब थोड़ा थोड़ा करके घी डाला है मैंने, देखिए पूरा घी डाल दिया है। और ये इस तरह का हो जाना चाहिए जब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इसके जब हम हाथों में लेंगे इस तरह से बॉल्स जैसी बन जाएंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच सफ़ेद तिल। ये बहुत अच्छे होते हैं शरीर के लिए, और ये कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्हें ज़रूर डालें, ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने ये दूध लिया है, नॉर्मल दूध है ये, गर्म करा हुआ, लेकिन गर्म करने के बाद ठंडा हुआ है। अब हम इससे ये गूंथेंगे आटा। आप पानी से भी गूंथ सकते हैं, लेकिन दूध से जो गूंथेंगे उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये बहुत लंबे टाइम तक रख भी सकते हैं इनको, हम हफ्ते 2 हफ्ते तक का ये ख़राब नहीं होंगे इस तरह से दूध में आटा गूंथने से। ये देखिए, एकदम नरम आटा गूंथ के मैंने तैयार कर लिया है, जैसे हम नॉर्मल पूरी पराठे के लिए गूंथते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 या 15 मिनट बाद हम इसकी बनाएंगे नमकीन पारे। तो 10 मिनट हो गए हैं, देखिए मैंने इसको 10 मिनट बाद निकाल लिया है। एक बार अच्छे से फिर से मसल लेते हैं, और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं इस तरह से। और मैंने ये देखिए, मैंने इसको 4 भागों में बांट लिया है, और एक बॉल उठाएंगे। अब हम इसको इस तरह से इस बोर्ड के ऊपर रखेंगे, और इसको हम बेलेंगे एकदम पतला पतला, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। ये बहुत ही आसानी से फैल जाता है इस तरह से। ये देखिए, एकदम आटा रोटी या पराठे वाला होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अब हम इसे काट लेते हैं, और अपने मन पसंद के हिसाब से आप किसी भी शेप में मठरी को बना सकते हैं या नमकीन पारे बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे बर्फी या इस तरह से बना के तैयार कर लिया। देखिए, मैंने सारी नमकीन पारे बना के तैयार कर लिए हैं, तो ये इतने सारे बने हैं, कुछ मैंने इस तरह से बनाए हैं। और अब इधर मैंने तेल गरम करने को रखा है, तेल अच्छा सा गरम हो जाए, और फिर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और इसके ऊपर से हम नमक पारे डालेंगे, और जितने एक बार पैन में आते हैं डाल देते हैं, और धीरे धीरे हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और लो फ्लेम में ही बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगे। ये देखिए, इनका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से पलट देते हैं, जैसे ही हम इन्हें तेल में डालेंगे तुरंत ना पलटें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और धीरे धीरे इन सारे नमक पारों को हम पलट लेते हैं, तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इनमें, और इन्हें हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, जब हम इन्हें निकालेंगे फिर से इनका कलर डार्क हो जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म रहते हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए, एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो वैसे इनमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहता है।
वो जो ऑयल गिरा है वो मेरे स्पैचुला से गिर गया है। ये देखिए बिल्कुल करारे और खस्ता हमारे नमक पारे बन के तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह से हम सारे नमक पारों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो आपको जैसा भी शेप पसंद है आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। और ये देखिए ये हमारे एकदम क्रिस्पी और खस्ता नमक पारे बन के तैयार हो गए हैं। ये तो है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चूर हो जा रहा है। देखिए इसका चूरा बन जा रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट नमक पारे हमारे बन के तैयार हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।